गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भूषण साइंस पर और आप देख रहे हैं एक लव्य टू बैच की डेमो क्लास एक लव्य टू बैच की डेमो क्लास देख रहे हैं ये जो कोर्स है ये डिजाइन हुआ है डी फार्मेसी सेकेंड ईयर वालों के लिए जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ाएंगे ऑनलाइन क्लास होगी फुल कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा सिक्स मंथ में अप्रॉक्सीमेट आपका कोर्स खत्म होगा एज पर न्यू पी सी आई सिलेबस क्लासेस होगी इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगी और साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो आपके आने वाले एग्जिट एग्जाम के लिए हेल्प करेगा यहाँ पे हम आपको इस एक लेवे टू में छह सब्जेक्ट पढ़ाएंगे फार्माकोलॉजी कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी फार्माकोथेरापेटिक्स हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स तो इस एक लव को ज्वाइन करने के लिए अभी डाउनलोड करें भूषण साइंस प्लस की ऐप को या तो फिर आप कॉल कर सकते हैं एट थ्री टू नाइन सिक्स वन टू नाइन टू थ्री पर और ये कोर्स मात्र आपको फाइव नाइन में अवेलेबल है और आज आप इसका पहला डेमो क्लास देख रहे हैं तो आइए शुरू करते हैं हमारे शिक्षा के एक नए अभियान को जिसको हमने नाम दिया है एक लव्य टू जो कि अमूल्य है मूलवान है और ऐसा कोर्स आपको दोबारा या और कहीं नहीं मिलेगा जिसमें आपको सारी चीजें लाइव पढ़ाई जा रही है हमारे हैंड रिटर्न आपको नोट्स मिलेंगे वो विंडो लगाना हैंड रिटर्न आपको नोट्स मिलेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हॉस्पिटल फार्मेसी का पहला क्लास है हॉस्पिटल फार्मेसी का ये पहला क्लास है तो फर्स्ट क्लास चैप्टर वन लेक्चर वन तो देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी सब्जेक्ट समझने के पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि हॉस्पिटल जो है वो क्या होता है हॉस्पिटल के बारे में आपको सब कुछ समझना होगा कि हॉस्पिटल किसे कहते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है हॉस्पिटल के टाइप्स कितने होते हैं हॉस्पिटल में कौन कौन काम करता है इस टाइप से वैसे तो हम सभी को हॉस्पिटल बहुत अच्छे से पता है लेकिन बुक की लैंग्वेज में इसको समझना जरूरी है तभी आप हॉस्पिटल फार्मेसी को समझ पाएंगे तो स्टार्ट करते हैं तो ये हॉस्पिटल है क्या पहले मुझे एक बार कंफर्म कीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार कंफर्म करेंगे संगीता गुड आफ्टरनून एक बार क्लियर करेंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा ओके थैंक यू चलिए अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल की हॉस्पिटल क्या है हॉस्पिटल जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है एक संस्था है मतलब करेक्ट ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है इट यूटिलाइजेस ये किस चीज को यूटिलाइज करता है स्पेसिफिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स स्पेसिफिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड फंक्शंस यहां पर स्पेसिफिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मतलब मशीनरीज इक्विपमेंट मतलब की मशीन करेक्ट साइंटिफिक मशीन जैसे डायलाइजर वगैरह जो होता है डायलाइसिस होती है ईसीजी मशीन है ना ये सब क्या कहलाता है ये सब कहलाता है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड फंक्शंस करेक्ट थ्रू द किसके थ्रू थ्रू द प्रेजेंस ऑफ थ्रू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेंड स्टाफ कैसा स्टाफ ट्रेन्ड स्टाफ राइट? हॉस्पिटल के पास स्टाफ होता है गरेट? और ये जो ट्रेन स्टाफ होता है ये जो ट्रेन स्टाफ होता है मतलब कि हु आर वेल एजुकेटेड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस करेक्ट वेल एजुकेटेड वेल एजुकेटेड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलने का मतलब यह है देखो हॉस्पिटल जो है ये क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स और फंक्शंस जो है वो यूज किए जाते हैं किसके थ्रू यूज किए जाते हैं ट्रेन स्टाफ के थ्रू यूज किए जाते हैं और ये जो ट्रेन स्टाफ होता है इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस साइंसेस में जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी भरपूर जानकारी होती है मतलब वो पढ़े लिखे होते हैं मेडिकल फील्ड में पढ़े लिखे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स इन मॉडल मेडिकल साइंसेस मतलब कि डिसीज तो डिसीज का जिनको नॉलेज होता है ऐसे स्टाफ के प्रेजेंस में ये सब कुछ जो है साइंटिफिक इक्विपमेंट और साइंटिफिक फंक्शंस जो है हॉस्पिटल में किए जाते हैं तो ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं हॉस्पिटल कहते हैं डब्ल्यू ने भी हॉस्पिटल को डिफाइन किया है डब्ल्यू एच ओ मतलब की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्या कहा है कि हॉस्पिटल्स आर हॉस्पिटल्स आर रिजर्वास ऑफ हॉस्पिटल्स आर रिजर्वास ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेस एंड नॉलेज क्रिटिकल रिसोर्सेस एंड नॉलेज। समझ तो में आई बात है ना तो यहां पर जो है डब्ल्यू एच ओ बोलता है कि क्रिटिकल रिसोर्सेस रिसोर्सेस मतलब कि मतलब आप आ, माध्यम। correct? तो क्रिटिकल रिसोर्सेस और नॉलेज जहां पर भरपूर प्रेजेंट है उसको क्या कहा है डब्ल्यू एच ओ ने हॉस्पिटल कहा है correct? अब ये तो हो गया हॉस्पिटल का डेफिनेशन अब हॉस्पिटल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं हॉस्पिटल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं करेक्ट तो अब हम अगली हेडिंग देखेंगे फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल ये पूरा आपका एज पर न्यू पीसीआई सिलेबस हम आपको पढ़ा रहे हैं करेक्ट तो फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स करेक्ट सबसे पहला फंक्शन अब ऐसे अगर पूछा जाए तो हमारे दिमाग में हमारे जवान पे एक ही फंक्शन आएगा कि भैया यहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है लेकिन इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस जो है यहां पर किए जाते हैं करेक्ट सबसे पहला फंक्शन इसका जो सबसे मेन फंक्शन है जिसको हम प्राइमरी फंक्शन इसका बोलेंगे पेशेंट एंड आउट पेशेंट करेक्ट ये क्या है इसका प्राइमरी फंक्शन है प्राइमरी मतलब सबसे जरूरी और सबसे मेन फंक्शन अब यहां पर देखो टू टेक केयर ऑफ इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट लिखा हुआ है इन पेशेंट का मतलब क्या होता है वो पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में भर्ती है एडमिट है और आउट पेशेंट मतलब जो पेशेंट भर्ती नहीं हुआ है बस दिखाने आया है और डॉक्टर को दिखा के वापस घर चला गया एडमिट नहीं हुआ उसको अपन क्या बोल देंगे आउट पेशेंट तो इन पेशेंट और आउट पेशेंट का केयर करना हॉस्पिटल का सबसे पहला फंक्शन होता है दूसरा जो फंक्शन है दूसरा जो फंक्शन है कि जैसे कोई भी प्रोग्राम चलता है जो किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई प्रोग्राम चलाया जाता है तो so, हॉस्पिटल्स जो है उसको सपोर्ट करते हैं करेक्ट तो टू सपोर्ट प्रोग्राम्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ये दूसरा फंक्शन हो गया उसका तीसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन क्या है कि कभी भी जैसे आप देखोगे कि, कि बड़ी बड़ी ऐसी एजेंसीज है बड़ी बड़ी ऐसी एजेंसीज है जो गवर्नमेंट रन करती है या कोई संस्था रन करती है जो कि पर्टिकुलर किसी डिसीज के लिए या पर्टिकुलर किसी एम के लिए वो लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं है, है कि नहीं? जैसे कई सारे जैन लोगों के संस्थान होते हैं कई सारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मान लीजिए आपका एम्स तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर कई सारी ऐसी एजेंसीज होती है जो समाज में लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है तो ऐसी जो कम्युनिटी ए सॉरी ऐसी जो एजेंसीज होती है या ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के कांटेक्ट में नहीं आ पाते तो वो लोग क्या करते हैं अपने जो प्लान्स अपने जो पॉलिसीज अपनी जो सर्विसेज है वो हॉस्पिटल को देते हैं और हॉस्पिटल फिर उसको लोगों को देता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि कोई एक्स वाई जेड एजेंसी है करेक्ट जो कि गवर्नमेंट चला रही है अब वो एजेंसी जो है वो फ्री में कैंसर की दवा दे रही है फॉर एग्जाम्पल तो डायरेक्ट लोगों तक तो वो नहीं जाएंगे बांटने वो क्या करेंगे हॉस्पिटल में वो दवाइयां रख देंगे और डॉक्टर्स जो है जो लोग वहां पर आएंगे हॉस्पिटल में उनको वो दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे तो एक टाइप से हॉस्पिटल जो है वो कम्युनिटी मतलब पॉपुलेशन जो है समाज जो है कम्युनिटी और ऑफिशियल हेल्थ एजेंसी इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है क्लियर हुई बात है ना सो इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड Community and official health agencies. Official health agencies provides. Or, the official health kya kar rahi hai? they provide services to improve the community health. Right? Provides to improve community. हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कि समाज आप बोल सकते हैं कॉमन पॉपुलेशन करेक्ट ये हो गया इसका तीसरा फंक्शन चौथा फंक्शन क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है अब पेट में दर्द होगा हो तो मैं कहा जाऊंगा हॉस्पिटल जाऊंगा हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करेगा बोलेगा अरे बहुत अच्छा हुआ आप आ गए पता कि आपके पेट में अल्सर हो रहा है अर्ली स्टेज पर है जस्ट शुरू हो रहा है जल्दी आ गए आप बढ़िया आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा आप ठीक हो जाओगे तो एक टाइप से आप बोल सकते हो कि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट की वजह से अर्ली मतलब जल्दी तो जल्दी किसी डिसीज का डिटेक्शन हो जाए या फिर किसी डिसीज का अगर जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है बीमार लोगों का नंबर जो है वो कम हो जाएगा इसका मतलब है कि हॉस्पिटल जो है वो एक लाइफ सेविंग का काम कर रहा है क्या कर रहा है लाइफ सेविंग का काम करता है करेक्ट तो बिकॉज ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इट लोअर्स द इंसिडेंस ऑफ डिसीज इंसिडेंस मतलब होता है होने के चांसेस करेक्ट इट एक्ट एज लाइफ इट एक्ट एज अ लाइफ सेविंग यह इसका चौथा फंक्शन हो गया करेक्ट अब इसका पांचवा फंक्शन पांचवा फंक्शन मतलब कि जैसे आप कई बार देखते होंगे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है आपको ब्लड टेस्ट वगैरह लिख के दे देता है कि जाइए ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करा के आइए अब आप जो है ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट कराने कहाँ जाएंगे लैब में जाएंगे उस लैब को हम क्या कहते हैं पैथोलॉजी लैब कहते हैं तो वो पैथोलॉजी लैब में जो स्टाफ होता है जो लोग वहां पे काम करते हैं उनको हम लोग कहते हैं पैरा मेडिकल स्टाफ क्या कहते हैं पैरा मेडिकल स्टाफ वो पैरा मेडिकल के स्टूडेंट मतलब जैसे डीएमएलटी डीएमएलटी बीएमएलटी मतलब कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट एक कोर्स होता है DMLT, उसके जो स्टूडेंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं पैरा मेडिकल स्टूडेंट तो पैरा मेडिकल वाले जो लोग हैं वहां पर उस पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं लेकिन आपको पता है वो प्रैक्टिस करने के पहले वहां पर उस लैब में बैठने के पहले उस पैरामेडिकल स्टूडेंट को हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेनी होती है उसके बाद जो है वो पैथोलॉजी लैब में बैठ सकता है तो पांचवा फंक्शन इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू पैरा मेडिकल स्टाफ या पर्सनल करेक्ट अब सिक्स नंबर का फंक्शन हॉस्पिटल का करेक्ट कभी कभी आप देखना कि जैसे आ, आजकल क्या है कि नई नई डिसीजेस के लिए नए नए जो है मशीन्स आ रही है बहुत हेवी हेवी मशीन्स आती है एक एक करोड़ दो दो करोड़ दस दस करोड़ की जो है मशीन्स आती है अब वो मशीन ऐसा नहीं है कि एरा गैरा नथु गैरा बैठ के जो है उसको चला लेगा इतना आसान नहीं होता है करेक्ट तो उसको चलाने के लिए जो क्वालिफाइड पर्सन है जो डॉक्टर्स हैं है ना उनको जो है स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है उनको ये समझाया जाता है कि ये मशीन कैसे चलेगी इसका क्या यूज है कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हॉस्पिटल्स में होते हैं फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी ने कोई ड्रग बनाया कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनाया जो कि किसी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक कर सकता है लेकिन अब ड्रग बनने के बाद यह पता कैसे चलेगा कि सही में ये दवाई जो बनाई गई है ये इस बीमारी को ठीक कर सकती है कि नहीं कर सकती तो ऑब्वियस बात है उसको पेशेंट को देंगे तभी तो पता चलेगा कि बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है तो ये वाला जो रिसर्च का पार्ट है कि पेशेंट को देकर उसको उसकी एफिशिएंसी को चेक करना उसके ड्रग के पावर को चेक करना ये कहां पर होगा ये रिसर्च वर्क कहां पे होगा यह हॉस्पिटल में होगा करेक्ट सो इट कंडक्ट रिसर्च इट कंडक्ट रिसर्च एंड स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम करेक्ट और आखिरी वाला इसका फंक्शन है कि क्या होता है कि हॉस्पिटल कई टाइप के होते हैं मतलब बड़ा हॉस्पिटल छोटा हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है एक जनरल हॉस्पिटल होता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है एक पब्लिक हॉस्पिटल होता है तो ये सारे हॉस्पिटल जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होके काम करते हैं जुड़ के काम करते हैं मिलके काम करते हैं करेक्ट क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स जो है वो छोटे हॉस्पिटल का सपोर्ट करते हैं क्यों क्योंकि भैया बड़े हॉस्पिटल में ज्यादा फैसिलिटी होती है छोटे हॉस्पिटल में कम फैसिलिटी होती है अब पेशेंट जो है वो तो कहीं भी पहुंच सकता है तो पता चला वो छोटे हॉस्पिटल में पहुंच गया तो बड़े हॉस्पिटल वाले वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे या तो फिर वो पेशेंट को अपने यहां बुला लेंगे क्योंकि यहां पर बात जो है सबसे पहले बात आती है जीवन की कि जीवन बचाना है करेक्ट अब जैसे मान लीजिए कोई जनरल हॉस्पिटल है वहां पर जो है कोई ऐसा पेशेंट पहुंच गया जिसकी किडनी फेल है तो वहां से वो जो पेशेंट है वो रेफर किया जाएगा भेजा जाएगा कहां पर ऐसा हॉस्पिटल जो किडनी स्पेशलिस्ट है Correct? है ना तो यहां पर जो लास्ट फंक्शन है हॉस्पिटल का जैसे बिगर हॉस्पिटल्स कोऑपरेट्स विद स्मॉलर हॉस्पिटल करेक्ट देन उसके बाद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कोऑपरेट विथ जनरल हॉस्पिटल करेक्ट है ना फिर इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल कोऑपरेट विथ पब्लिक हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल तो बोलने का मतलब ये है कि ये सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये क्या करते हैं आपस में इंटीग्रेट होके काम करते हैं मिलके काम करते हैं करेक्ट तो ये हो गया आपका फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल समझ में आया समझ में आया सभी को समझ में आया रेखा वैष्णव बोल रहे हैं दिस लिंक शोज सम एरर यूट्यूब चैट में ओके चलिए यहां तक समझ में आ गया ठीक है अब आगे देखते हैं अब देखो हॉस्पिटल के बहुत सारे टाइप्स हैं हॉस्पिटल के बहुत सारे टाइप्स हैं ठीक है थीके? तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल जैसे मुझे पता है आपको सारे हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे से पता है लेकिन आज जब आप ये क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको ये हो जाएगा अच्छा ये हॉस्पिटल को ये कहते हैं वो हॉस्पिटल को वो कहते हैं ये फंडा आपका क्लियर हो जाएगा करेक्ट तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल करेक्ट तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में जो हॉस्पिटल्स है ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं पहला क्लिनिकल ओरिएंटेशन कर दूसरा जो है नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन ठीक है ना क्लिनिकल ओरिएंटेशन और नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन तो क्लिनिकल ओरिएंटेशन में आप देखेंगे तो ये जो है फर्दर चार टाइप में डिवाइडेड है जैसे ऐसा कोई हॉस्पिटल जो किसी खास डिजीज को ठीक करने के लिए काम करता है करेक्ट तो मेजर डिसीज़ेस To cure. मतलब चाहना सीख टू क्योर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो सिर्फ कैंसर को ठीक करता है कैंसर का ट्रीटमेंट जहां होता है तो कैंसर हॉस्पिटल कोई ऐसा हॉस्पिटल जो सिर्फ टीबी को ट्रीटमेंट करता है तो टीबी हॉस्पिटल करेक्ट कोई ऐसा हॉस्पिटल जो लेप्रोसी कुष्ट रोग पे काम करता है तो लेप्रोसी हॉस्पिटल है ना ऐसे होते हैं दूसरा एक जो टाइप है क्लिनिकल ओरिएंटेशन में वो है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन क्या बोलते हैं उसको एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो इसमें किस टाइप के हॉस्पिटल आ जाएंगे जैसे आपका कान नाक गले वाला हॉस्पिटल जिसको अपन बोलते हैं ई एन टी हॉस्पिटल बोलते हैं हॉस्पिटल फिर आपने देखा होगा किडनी हॉस्पिटल्स होते हैं तो स्पेसिफिक जो है एक ऑर्गन को एक स्ट्रक्चर को ठीक करने वाले हॉस्पिटल सही है जैसे आई हॉस्पिटल तो ये स्पेसिफिक किसी ऑर्गन पे काम कर रहे हैं करेक्ट देन उसके बाद तीसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं सर्व क्लाइंट ग्रुप दे सर्व मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि स्पेसिफिक पेशेंट के ग्रुप को ठीक करने वाला वो हॉस्पिटल है जैसे मेटरनिटी हॉस्पिटल कि यहां पर सिर्फ जो है गर्भवती महिलाओं का ट्रीटमेंट होगा दूसरा आप बोल सकते हो पेडिएटिक हॉस्पिटल मतलब ये ऐसा हॉस्पिटल है जो सिर्फ बच्चों का ट्रीटमेंट करेगा जो सिर्फ क्या क्या करेगा बच्चों का ट्रीटमेंट करेगा तो पेडेटिक हॉस्पिटल बोलेंगे उसको करेक्ट और चौथा जो है सिस्टम ऑफ मेडिसिन एडॉप्टेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन एडॉप्टेड मतलब उनके यहां स्पेशल मेडिसिन सिस्टम मेडिसिन सिस्टम क्या जैसे एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक है ना तो आपने देखा होगा कि एलोपैथिक हॉस्पिटल्स होते हॉस्पिटल है ना फिर आपने देखा होगा होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स होते हैं तो ये सब क्या है ये स्पेशल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को यूज करते हैं स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को यूज़ करते हैं ये Correct? ये इस टाइप से ये हो गया क्लिनिकल ओरिएंटेशन है ना तो मेजर डिसीजेस एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लाइंट ग्रुप दे सर और सिस्टम ऑफ मेडिसिन एडॉप्टेड ये चार टाइप के हॉस्पिटल जो है यहां पर आ जाते हैं अब बात करते हैं नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन की अब बात करते हैं नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन मतलब यहां पे डिसीज पेशेंट इनके बेस पर हॉस्पिटल को क्लास नहीं किया हुआ है करेक्ट यहां पर आप कहते हैं दो टाइप पहला वाला जो है उसको कहते हैं गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल क्या बोलते हैं गवर्नमेंट या इसी को हम क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल और दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स, क्लियर है ना ये दो टाइप के हॉस्पिटल नॉन क्लिनिकल में आते हैं तो जैसे गवर्नमेंट पब्लिक में आप जानते हैं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो गया एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट करेक्ट तो यहां पर अपन एग्जाम्पल लिख देते हैं जैसे एम्स हॉस्पिटल जो है ये हर जगह है न्यू दिल्ली हम एग्जाम्पल लेते हैं करेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं करेक्ट अब नॉन गवर्नमेंट में या प्राइवेट हॉस्पिटल में इसमें कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कई सारे हॉस्पिटल ऐसे होते जो कोई एक ट्रस्ट चलाता है जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल है बॉम्बे में वो एक ट्रस्ट चलाता है तो रन बाय ट्रस्ट तो इसका एग्जाम्पल बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई में है ये बॉम्बे दूसरा आप बोल सकते हो कि इट इज टाइप ऑफ हॉस्पिटल विच इज रन बाय रिलीजियस बॉडी जैसे रामकृष्णा मिशन हॉस्पिटल तो ये जो है हिंदू लोग चला रहे क्रिश्चियन लोग जो है वो अपना हॉस्पिटल चला रहे right? तो रन बाय रिलीजियस बॉडी रन बाय रिलीजियस बॉडी इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल आपका रामकृष्णा मिशन हॉस्पिटल कोलकाता रामकृष्ण मिशन इसके एग्जाम्पल आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये जो टाइप है उसका मीनिंग प्रॉपरली समझ पाए करेक्ट अब कोई कंपनी हॉस्पिटल चला रही है Correct? तो उसको बोलेंगे लिमिटेड बाय कंपनी मतलब जैसे अपोलो हॉस्पिटल ये अपोलो हॉस्पिटल जो है ये कंपनी चला रही है अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड ये लिमिटेड शॉर्ट में लिखते हैं और उसके बाद कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको कुछ डॉक्टर्स का ग्रुप जो है वो मिलके चला रहा है गरेट? तो यहां पे मैं लिख देता हूं डी वो सी हो गया ये डी राइट अदर प्राइवेट हॉस्पिटल रन बाय अदर प्राइवेट हॉस्पिटल रन बाय ग्रुप ऑफ प्रैक्टिशनर है ना हमारे आसपास कई सारा ऐसा है जो कोई डॉक्टर का ग्रुप चला रहा है जैसे संजीवन हॉस्पिटल उस्मानाबाद कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो आपके आसपास का संजीवन हॉस्पिटल उस्मानाबाद तो ये नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन के बेस पर दो टाइप के हॉस्पिटल जो है वो मिलते हैं ये पहला टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया हॉस्पिटल का करेक्ट अब दूसरे टाइप का हॉस्पिटल दूसरे टाइप का हॉस्पिटल कौन सा है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑन द बेसिस ऑफ साइज करेक्ट कोई बड़ा हॉस्पिटल होता है कोई छोटा हॉस्पिटल होता है कोई मीडियम साइज होता है तो उसका स्पेसिफिक डेफिनेशन है है ना तो जैसे हॉस्पिटल्स, दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूं मैं तो उसमें पहला आता है लार्ज हॉस्पिटल लार्ज हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल होता है जिसमें एक हजार से ज्यादा बेड हो मोर देन वन थाउजेंड बेड एक हजार से ज्यादा जहां बेड हो करेक्ट फिर मीडियम हॉस्पिटल मीडियम हॉस्पिटल उसे कहेंगे जहां पर 500 एक से लेकर एक हजार बेड जहां पर हो करेक्ट देन उसके बाद स्मॉल हॉस्पिटल स्मॉल हॉस्पिटल हम किसे कहते हैं ऐसा हॉस्पिटल जिसमें हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड बेड हो कितने हो हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड बेड हो करेक्ट right? और उसके बाद वेरी स्मॉल हॉस्पिटल तो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल में ऑब्वियस सी बात है यहां सौ से पांच सौ है तो सौ से कम तो लेस देन हंड्रेड बेड क्लियर ये बेस्ड अपॉन द लार्ज हॉस्पिटल मीडियम हॉस्पिटल स्मॉल हॉस्पिटल और वेरी स्मॉल हॉस्पिटल समझ में आया यहां तक यहां तक समझ में आया करेक्ट चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट करेक्ट तो हॉस्पिटल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट करेक्ट तो इसमें दो टाइप बन जाते हैं राइट एक को हम कहते हैं आलिशान वाला हॉस्पिटल जहां पे अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय है ना युवराज सिंह ये सब एडमिट होते हैं उनको हम कहते हैं एलाइट हॉस्पिटल्स। वहां का एक दिन का बेड का चार्ज जो है वो हम लोगों की महीने भर की कमाई का एक दिन का बेड चार्ज होता है वहां तो दीज आर हाई रेट और हाई टेक हॉस्पिटल है ना जहाँ पे एसी वेसी ये वो बहुत कुछ रहेगा और दूसरा एक होता है जिसको बोलते हैं बजट हॉस्पिटल क्या बोलते हैं बजट हॉस्पिटल करेक्ट बजट हॉस्पिटल मतलब जहां पे हम लोग जाते हैं जहां पे मॉडरेट टू लो बजट हॉस्पिटल होता है ये फीस ज्यादा नहीं होती है करेक्ट मॉडरेट टू लो बजट हॉस्पिटल्स क्लियर ये किसके बेस पर है ये है आपके ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अब एक नाम और बच गया है एक टाइप और बच गया है जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मिसलेनियस हॉस्पिटल मिसलेनियस हॉस्पिटल उसको मैं बता देता हूं मिसलेनियस हॉस्पिटल हम उसे कहते हैं जो ऐसा हॉस्पिटल होता है आपने देखा होगा जहां पर मेडिकल कॉलेज होता है मेडिकल कॉलेज जिस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं मिसलेनियस हॉस्पिटल तो इसको हम कहेंगे हॉस्पिटल टू विच मेडिकल कॉलेज इज अटैच हॉस्पिटल टू विच मेडिकल ज इज अटैच उसको हम कहते हैं मिसलेनियस हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो यह हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन हो गया पूरा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट कि हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे हॉस्पिटल में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी होती है उसके नीचे कौन होता है उसके नीचे कौन होता है उसके नीचे कौन होता है तो इसको अपन कहते हैं हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन तो मैं आपको बता रहा हूं अब हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट और मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दू ये चल रहा है एक लव्य टू डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए ऑनलाइन कोर्स का डेमो क्लास ये डेमो क्लास पूरे दस दिन चलेगा और इसमें जो है आप ये समझ पाएंगे कि हम एक्चुअली में हमारे कोर्स में कैसा पढ़ाने वाले हैं तो ये जो एक लव्य टू बैच है जो कि डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए बनाया गया है इसमें फुल कोर्स हम आपको पढ़ाए हैं डेली लाइव क्लासेस होगी साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगी चैप्टर वाइज और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको चैप्टर वाइज इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वन ईयर इसमें हम आपको टोटल छह सब्जेक्ट पढ़ाएंगे फार्माकोलॉजी कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी फार्माकोथेरापेटिक्स हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स पंद्रह सेप्टेम्बर से ये कोर्स शुरू हुआ है मतलब कल से ये बैच शुरू हुआ है ये कोर्स अवेलेबल है भूषण साइंस प्लस की ऐप पर तो अभी डाउनलोड करें भूषण साइंस प्लस की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अगर कोई क्वेरी है कोई डाउट है कुछ पूछना है तो यहां पर मेरा नंबर दिया हुआ है एट इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे किसकी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन की देखिए तो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन यहां पे लिख देता हूं कोई भी जो हॉस्पिटल होता है वो ऐसे ही नहीं चलता है उसके पीछे जो है बहुत बड़ी टीम काम करती होती है तो सबसे सुपेरियर सबसे ऊपर वाली जो टीम होती है उसको हम लोग कहते हैं गवर्निंग बॉडी गवर्निंग बॉडी में मालिक लोग आ जाते हैं Correct? जैसे डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपका गवर्निंग बॉडी गवर्निंग बॉडी के नीचे में कई सारी कमेटीज होती है कई सारी क्या होती है कमेटीज होती है जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी फाइनेंस कमेटी पब्लिक रिलेशन कमेटी ऐसे बहुत सारी कमेटी होती है उसके नीचे होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो चार टाइप के होते हैं मतलब ये हॉस्पिटल को चला रहे हैं right? सबसे पहला क्लिनिकल सर्विस डिपार्टमेंट ये वो डिपार्टमेंट होता है जो कि ट्रीटमेंट करने का काम करता है right? दूसरा होता है फार्मेसी डिपार्टमेंट दूसरा होता है फार्मेसी डिपार्टमेंट तीसरा होता है नर्सिंग डिपार्टमेंट तीसरा होता है नर्सिंग डिपार्टमेंट और चौथा जो होता है वो होता है ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट क्या होता है ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट करेक्ट अब ये जो क्लिनिकल सर्विस डिपार्टमेंट जो है क्लिनिकल सर्विस डिपार्टमेंट जो है इसमें और फर्दर डिपार्टमेंट आ जाते हैं जैसे आप देखोगे तो इसमें जो है आपको सबसे पहले मिलेगा जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट करेक्ट फिर इसके बाद आता है सर्जिकल डिपार्टमेंट जहां पर सर्जरी वगैरह होती है सर्जिकल डिपार्टमेंट फिर इसके बाद आपका जाता है मैटरनिटी डिपार्टमेंट जहां पे प्रेग्नेंट वुमेन का ट्रीटमेंट होगा मैटरनिटी डिपार्टमेंट इसके बाद आपका आ जाता है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जहां पे लैब रहेगी ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट लैब रहेगी उसको कहेंगे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट देन उसके बाद आपका आ जाता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहां पे जो है एक्स रे वगैरह सीटी स्कैन वगैरह ये सब कुछ होता है रेडियोलॉजी right? डिपार्टमेंट और लास्ट में आपका रहेगा डेंटल डिपार्टमेंट तो दांत से रिलेटेड से रिलेटेड डेंटल डिपार्टमेंट right? अब इसमें जो ये ये जनरल मेडिसिन है कई टाइप का हो सकता है right? पहला जैसे आप मान लीजिए पेडेटिक बच्चों का जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट करेक्ट right? दूसरा साइकेट्रियाटिक मतलब जिसमें जो है आपका साइकिक पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है न्यूरोलॉजी जहां पर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट होगा right? उसके बाद कार्डियोलॉजी मतलब जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनका ट्रीटमेंट इस डिपार्टमेंट में होगा डरमेटोलॉजी मतलब जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका यहां पर ट्रीटमेंट होगा इस डिपार्टमेंट में तो ये कुछ है right? ये हो गए आपके जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट अब यहां पर बाकी किसी का तो टाइप नहीं है नर्सिंग में आपका नर्स वर्स ये वगैरह इनका मैनेजमेंट आ जाता है अब यहां पर ये जो ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट है यहां पर कुछ है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे तो जैसे सबसे पहले आपका इंडोर केस रिकॉर्ड एंड रजिस्ट्रेशन मतलब ये रिकॉर्ड रखने रक, वाले लोग होते हैं Right? इनको अपने बोल सकते हैं मेडिकल रिकॉर्ड वाले ये सिर्फ फाइलें मेंटेन करने का काम करते हैं सही प्रिस्क्रिप्शन सही फाइल में जाना चाहिए करेक्ट right? देन उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करेक्ट हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट हाउस कीपिंग मतलब साफ सफाई वाले करेक्ट हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट देन उसके बाद जो है आपका हॉस्पिटल लाइब्रेरी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल लाइब्रेरी डिपार्टमेंट और लास्ट में आता है कैटरिंग मतलब जो कैंटीन वगैरह होती है ना उसका भी डिपार्टमेंट तो ये डिपार्टमेंट जो है आपके ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट में आ जाते हैं करेक्ट तो इस टाइप से हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन होता है ये इस तरीके से हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोग जो है वो एक साथ मिलकर यहां पर काम करते हैं क्लियर हुई बात है ना बात क्लियर हो गई ठीक है तो यहां पे हमारा हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन पूरा हुआ कल इसी टाइम पे दोपहर को तीन बजे से लेकर चार बजे तक मैं आप लोगों को हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ाऊंगा मतलब इसके आगे वाला टॉपिक जो चैप्टर नंबर वन है हॉस्पिटल फार्मेसी उसमें पहले हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन था और इसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है उसका इंट्रोडक्शन है तो बच्चों आपको अगर मेरा क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक like, शेयर जरूर कीजिएगा और जिन लोगों ने भी हम पर भरोसा करके हमारी एक एकलव्य टू बैच को ज्वाइन किया है उन सब को धन्यवाद और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जैसे-जैसे क्लासेस करते जाएंगे वैसे-वैसे आपको और कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हां अब हमारे लिए डिफार्म करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है करेक्ट और जो एग्जिट एग्जाम नाम का राक्षस जो आगे आने वाला है उसको भी आप बड़े आसानी से मार के आगे निकल जाओगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही कल मिलेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी की नेक्स्ट क्लास में दोपहर तीन बजे आना ना भूलिएगा तब तक के लिए बाय थैंक यू नमस्कार